वॉल्टर का मॉडल बोलता है कि आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब अगर आप शेयर होल्डर को पैसा ना दें डिविडेंड वाला और अपने पास रख लें, तो आप कितना परसेंट अर्न करते हैं। से 15%, दिस इज योर रिटर्न ऑन इक्विटी, द मनी दैट यू एग्जैक्टली अर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी बोल रहा है ये वाला बात, से द कंपनी इज RIL। तो RIL अपना जब इन्वेस्टमेंट करता है तो 15% रिटर्न कमाता है। और मान लो RIL के शेयर होल्डर का जो एक्सपेक्टेशन है, जिसको KE बोलते हो, जो RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF से आता है, वो अगर है 10%, मतलब शेयर होल्डर 10% की उम्मीद करता है अपने पैसे पे, तो शेयर होल्डर का ही पैसा है ना, रिटेन्ड अर्निंग का हो, डिविडेंड का हो, कमाई का हो, वो 10% एक्सपेक्ट करता है। इसको इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि शेयर होल्डर को अगर पैसा मिले तो वो उसको 10% रिटर्न पे इन्वेस्ट कर पाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। वैसे दिस इज प्लेनली शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, एंड दिस इज व्हाट यू आर डिराइविंग बाय इन्वेस्टिंग दैट मनी। तो ये तुम्हारा, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन है, हाथ देखो, और ये तुम्हारा कमाई है। तो तुम्हारे से जो एक्सपेक्टेशन है उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इसका सिंपल सा मतलब है शेयर होल्डर को डिविडेंड मत दो, डोंट पे, क्योंकि वो 10% कमाएगा, तुम उसके लिए 15% जमा करोगे, बिकॉज तुम उसी पैसा को जब इन्वेस्ट करोगे तो 15% रिटर्न आएगा ना। तो तुम अपने पास अगर रखोगे ना, तो तुम्हारा शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा बढ़ेगा अगर तुम डिविडेंड दे दोगे उसके कंपैरिजन में। माने वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ इन दिस केस नो डिविडेंड इज पेड, इफ इन दिस केस नो डिविडेंड इज पेड। और फंडा बड़ा लॉजिकल, बड़ा सिंपल है। फिर बोला अगर आर इज इक्वल टू के, तो इनडिफरेंट हो गया, यू पे यू डोंट पे नथिंग विल चेंज। एंड इफ आर इज लेस देन के, आर मान लीजिए 10% है और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन मान लीजिए 16% है, तो यू बेटर यू पे हाइएस्ट डिविडेंड, माने 100% डिविडेंड दे देना चाहिए। वट एवर यू अर्न पे, योर पे आउट शुड बी 100%, डोंट रिटेन एनी थिंग।